नमस्कार दोस्तों, भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ब्रिक्स 2018। दोस्तों, यह ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन होता है और ब्रिक्स का यह 10वां शिखर सम्मेलन 25 से 27 जुलाई 2018 के मध्य जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सम्पन्न होता है। यह दूसरी बार है जब दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले मार्च 2013 में डरबन में दक्षिण अफ्रीका में ही 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इस तरह अगर हम इसका थीम देखें, जो 10वां शिखर सम्मेलन हुआ है अभी अभी उसका, तो इसका थीम है ब्रिक्स इन अफ्रीका कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मतलब अफ्रीका में ब्रिक्स 4थी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास एवं साझी समृद्धि के लिए सहयोग। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि 4था औद्योगिक क्रांति किस रूप में, तो देखिए, दुनिया का जो अभी तक ये 21वीं सदी का विकास क्रम चला है, उसमें 4 बार ऐसी औद्योगिक क्रांति हो चुकी है जिससे उस दुनिया का जो शेप है वो बदल के रख दिया है। अगर हम सबसे पहली बार औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये 18वीं शताब्दी में होता है और इस समय इंग्लैंड का दबदबा पूरे दुनिया पे रहता है और इस समय जल और वाष्प शक्तियों के द्वारा मानव और जंतु शक्तियों को प्रतिस्थापित किया गया था। दोस्तों, हुआ क्या था, उस समय में जितने भी गाड़ी खींचा जाता था और भी जितने भी कई प्रकार के औद्योगिक क्रियाक्रम जो होता था वो आदमी द्वारा या फिर कह सकते हैं जानवर द्वारा किया जा सकता था। उसको क्या किया, वाष्प इंजन आने से इसमें कई सारे जो हैं तकनीकी जो परिवर्तन है वो देखने को मिला है। जैसे वाष्प इंजन आते ही रेल का विकास हो गया और इस तरह से जो माल की ढुलाई एक जगह से दूसरे जगह होती थी वो हो गया। उसके बाद फिर कई प्रकार के जो छोटे छोटे कल कारखाने थे वो भी यहाँ से स्थापित होना शुरू हो जाता है। अगर हम दूसरी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी में होता है और विद्युत ऊर्जा का आगमन होता है। हवाई जहाज, टेलीफोन, कार, रेडियो और मास प्रोडक्शन का यहाँ पे आगमन होता है। फिर अगर हम बात तीसरी औद्योगिक क्रांति की करें तो ये 20वीं शताब्दी में संपूर्ण होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता है। साथ ही साथ मास प्रोडक्शन ऑटोमेशन के लिए भी यह युग जाना जाता है। अब की बार जो 4था औद्योगिक क्रांति 21वीं सदी में हो रहा है, इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 या 4.0 के नाम से जाना भी जाता है। दोस्तों, इस समय क्या हो रहा है, कई क्षेत्रों में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मैं भमतो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे ही पूरा डिटेल में इस पे हम बनाए हैं वीडियो, आप वहाँ पे जाकर के इसको देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। फिर बायोरोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसके बाद ड्राइवरलेस कार, ये सब कुछ ऐसा अभी तकनीक के दुनिया में आविष्कार हो रहे हैं जो पूरी दुनिया को बदल के रख रहा है। क्या है नाम इसका, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। दोस्तों, 4.0 या 3.0 या 5.0 या 9.0, जब भी इस प्रकार का टर्मिनोलॉजी आप देखिए तो इसका मतलब होता है ऑलवेज न्यू, ऑलवेज न्यू। चलिए दोस्तों, इस समय जो 4थी औद्योगिक क्रांति है इसके दौरान पूंजी से ज़्यादा प्रतिभा का महत्व बढ़ रहा है, ऐसा बात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बात वहां से जोहानसबर्ग जो अपना संबोधन कर रहे थे वहां से ये बात बोले थे। इसको आप नोट कीजिएगा, हो सकता है ये आप जब ऐसे लिखिएगा, चाहे PCS हो या फिर UPSC को, वहाँ पर आपको दे देगा इसी प्रकार से कुछ टाइप का, जो मतलब प्रतिभा का महत्व जो है आज के दुनिया में बढ़ता जा रहा है कंपैरिजन टू पूंजी या फिर कह सकते हैं औद्योगिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसकी तुलना में। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ही। दोस्तों, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने की, जबकि यहाँ भारत से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
उसके बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति श्री मिशेल टेमर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फिर चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अतिरिक्त अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मार्की व टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान भी विशेष आमंत्रण के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे। दोस्तों, ये हम नाम देने का मकसद मेरा यही था। अभी जो आप BPSC और UPSC का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ पे इस तरह से मिलान करने दे देता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अंतिम दिन 27 जुलाई को ब्रिक्स देशों की अन्य देशों के साथ विस्तृत आउटरीच बैठक व उदयमान अर्थव्यवस्था के साथ ब्रिक्स प्लस को ऑपरेशन का आयोजन किया गया। तो ब्रिक्स प्लस ऑपरेशन ये एक कॉन्सेप्ट है और ये शी जिनपिंग जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति चीन के, उसके दिमाग का ये उपज है क्यों ना ब्रिक्स प्लस से एक और भी इसमें देशों को जो है वो शामिल कर लिया जाए। तो इसी पे मंथन चल रहा है, इसका नाम दे दिया गया है ब्रिक्स प्लस। दोस्तों, सम्मेलन के अंत में जोहानसबर्ग घोषणा पत्र पेश किया जाता है जिसको सभी देशों ने अपनी स्वीकृति दे दी। तो जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन जस्ट अभी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को आभार व्यक्त करते हुए सभी देशों ने अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 की अध्यक्षता ब्राज़ील के प्रति पूर्ण सहयोग देने की बात की। क्या कहा है ना, यहाँ दक्षिण अफ्रीका को धन्यवाद दिया है और इसी के साथ ही 11वां जो शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का वो ब्राज़ील 2019 में होगा, वो 11वां होगा। तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। आइए दोस्तों, अब हम जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन की बात कर लें। दोस्तों, इस समय में क्या है ना, अमेरिका जो है वो अपने आप को अमेरिकी फर्स्ट नीति हो गया। ठीक, उसके बाद फिर व्यापार पर कई सारे टैरिफ लगा रहा है, उसके बाद फिर स्पेस का जो फोर्स है वो बनाने की वो बात कर रहा है। तो इस सब के नज़र जो है वो ब्रिक्स देशों के मेंबरशिप पे पड़ी है और इसके तहत यहाँ के सभी मेंबर देशों ने एक मत से एक तरफावाद यानी यूनिलैटरलिज्म एवं संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशित अर्थात इंक्लूसिवनेस के सिद्धांत के प्रति विश्वास दोहराया है। मतलब ये जो अमेरिका की फर्स्ट की नीति है उसके विरुद्ध ये लोगों ने एक मत से खड़ा हुआ है और जो एक फ्री ट्रेड जो पॉलिसी होती है उसको इन्होंने प्रमोट करने की बात की है। दोस्तों, इसके बाद आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना की गई है तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में लंबित कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मतलब CCIT को अंतिम रूप देने व उससे स्वीकार किए जाने में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति भी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। साथ ही साथ इजरायल एवं फिलिस्तीन के मध्य शांति के लिए राजनीतिक स्तर पर नए प्रयासों का भी आह्वान किया गया है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में सतत संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए राजकोषीय मौद्रिक एवं संरचनात्मक नीति को अपनाने पर बल दिया गया है। दोस्तों, ये जो UN का एजेंडा 2030 है उसमें भी यही बात कहा गया है ना, जो किस प्रकार से विश्व की जो गरीबी है और भी कई प्रकार के भुखमरी है, कुपोषण है, इस सब को जो हटाने का बात किया गया है वो 17 जो लक्ष्य था उसमें इसको दोहराया गया है यहीं पे। ठीक दोस्तों, इसके बाद बहुपक्षीय व्यापार के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के संदर्भ में WTO के नियम और विनियमों के अनुपालन की भी बात कहा गया, अर्थात जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके समय में भी अभी व्यापार को लेकर कई सारे चुनौतियां, उसको इन्होंने जो बैठ करके एक टेबल पे बैठ करके उसको भी रिजॉल्व करने की ये बात। दोस्तों, भारत द्वारा 2016 में प्रारंभ किया गया ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म अर्थात एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म ARP को खूब प्रशंसा यहां पे मिली है, जबकि आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस अर्थात स्पेस फोर्स जो अमेरिका द्वारा जो अभी अभी बनाने का बात कहा है उसको यहां पे इसके काउंटर में
ब्रिक्स देशों के भी सदस्यों ने अर्थात मंत्री ब्रिक्स देशों के भी सरकारों ने यहाँ पे स्पेस फोर्स बनाने की बात की है। साथ ही साथ जो अमेरिका का अभी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है ट्रेड का, उसके खिलाफ इन्होंने एक स्वर से सब सदस्य देशों ने इसकी आलोचना किया है। इसके बाद पीस कीपिंग की स्थापना अफ्रीका में किया जाएगा, क्योंकि अफ्रीका महादेश जो है वहाँ पे बहुत सारा अभी भी प्रॉब्लम है, तो उसको शांति से सुलझाने के लिए पीस कीपिंग की स्थापना अफ्रीका में किया जाएगा। साथ ही साथ वैक्सीन रिसर्च सेंटर फॉर कोलैबोरेशन की भी स्थापना यहाँ की जाएगी। ब्रिक्स जेंडर वुमेन फोरम भी बनाने की बात कहा गया है। इसके अलावा जो छठवां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी, उससे अब इसमें 300 मिलियन $300 मिलियन लोन के रूप में जो है वो दक्षिण अफ्रीका को देने का बात कहा था। दोस्तों जब ये बैंक बना था उस समय में सभी देशों ने 20% करके एक बैंक बनाया था, जिसको नाम दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये छठवां ब्रिक्स सम्मेलन जो ब्राज़ील में हुआ था उसमें इसको फाइनलाइज कर दिया गया था। तो उसी बैंक से जो भारत 300 मिलियन $300 मिलियन जो है वो अफ्रीका को लोन के रूप में दिया जा रहा है अब की बार। मतलब ये जो जोहानसबर्ग में जो अभी ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है इसके तहत इसको 300 मिलियन $300 मिलियन लोन के रूप में दक्षिण अफ्रीका को दिया जा रहा है। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग जरूर इसको दिमाग में याद रखिएगा कि सभी देशों ने मिल करके, मतलब ब्रिक्स के जितने भी मेम्बर कंट्रीज हैं उन सब देशों ने मिल करके PPP मॉडल के तहत रूस के साइबेरिया जो कि सुदूर पूर्व में है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र में पहला ब्रिक्स माइनिंग प्रोजेक्ट को लागू करने का बात कहा है। दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, इसमें खान है और वहाँ से सोना बहुत मात्रा में निकाला जाएगा और इससे जो ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा। आइए इतना कुछ जानने के बाद हम इसकी इतिहासों को एक बार दोहरा लें। दोस्तों इतिहास की अगर चर्चा करें तो 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ लिन के द्वारा पहली बार BRIC अर्थात ब्राज़ील रसिया इंडिया और चाइना शब्द का जो पहला लेटर है उसको मिलाकर के ब्रिक शब्द गढ़ा गया था। दोस्तों ये कोई कॉन्सेप्ट उनसेप्ट नहीं है, बस देशों के नाम के पहला जो अक्षर है उसको केवल ले लिया गया है और नाम दे दिया गया ब्रिक। दोस्तों उनका मानना था कि आने वाले समय का यह बहुत बड़ा इकोनॉमी होगा, उसके बाद ब्राज़ील रूस भारत और चीन के वित्त मंत्रियों ने UN के जनरल असेंबली के मीटिंग के दौरान मिले और सहमति बन जाने पर अंतिम रूप से 16 जून 2019 को रूस के यूकैटेनबर्ग में औपचारिक रूप से इसका पहला शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष इसका शिखर सम्मेलन होता आ रहा है और तीसरी मीटिंग जब चीन की सान्या में हुआ था तो उस समय दक्षिण अफ्रीका को भी इस ब्रिक में शामिल कर लिया गया और इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। इस प्रकार से यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ मीटिंग इसका हुआ था और कब कब। पहला हुआ था 2009 में यूकैटेनबर्ग रूस में और ये 16 जून को हुआ था। दूसरा हुआ था 16 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील में हुआ था और तीसरा हुआ था 14 अप्रैल 2011 को सानिया चीन में। दोस्तों यहीं पर जो है साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था और इस प्रकार से ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बन गया था। फिर चौथा हुआ था 29 मार्च 2012 नई दिल्ली भारत में हुआ था। पाँचवा हुआ था 26 और 27 मार्च 2013 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद छठवां जो हुआ था वो 15 से 16 जुलाई 2014 को फोर्टालिजा ब्राज़ील में हुआ था और सातवां 8 से 9 जुलाई 2015 को उफा रूस में हुआ था। फिर आठवां अगर देखें तो 15 से 16 अक्टूबर 2016 को गोवा भारत में ही हुआ था और नौवां 3 से 5 सितंबर 2017 को सियामिन चीन में हुआ था, जबकि दसवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 से 27 जुलाई 2018 को जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में अभी जस्ट संपन्न हुआ है, जबकि 11वां जो है प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे है, ब्राज़ील में वो प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स का अब तक 10 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और दोस्तों ब्रिक्स का कई मायने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम इसकी महत्ता की बात करें तो यह पूरे विश्व का 25% लैंड कवर करता है, पूरा दुनिया का।
पूरा दुनिया में अगर हम बात करें तो ऑफिशियली रूप से 200 से प्लस करीब देश है अभी पूरा दुनिया में। तो 200 से ज़्यादा देश में ये केवल जो 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पूरा दुनिया का 25% लैंड कवर करता है। अमेजिन बहुत बड़ा है अपने आप में, मतलब 1/4। उसके बाद देखिए जो पूरा दुनिया का जो लोग है उसका 40% से अधिक यहाँ पे रह रहे हैं। फिर इसका हम कंबाइंड जीडीपी का अगर बात करें तो वो है 18.66 ट्रिलियन US डॉलर, जो कि अगर बात करें तो ऑफ एन एवरेज करीब 23.2% के आसपास बैठता है पूरी दुनिया का। दोस्तों अगर हम वही बात यहाँ पे दोहरा रहे हैं कि विश्व के सभी जो करीब करीब महादेश हैं उस महादेश से सभी जो यूनिक कंट्रीज हैं वो ये इस ग्रुप में शामिल है। जैसे कि अगर हम देखें तो विश्व के सभी लगभग महादेशों से इसका प्रतिनिधित्व होता है। जैसे कि अगर हम रसिया का बात करें तो ये दोस्तों रसिया यूरोप और एशिया दोनों जगह है और दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है ये, तो यूरोप और एशिया दोनों महादेश में रूस का फैलाव है। वहीं पे एशिया से देखें तो दो बहुत ही बड़ा कंट्री यूनिक अपने आप में, एक चीन और दूसरा भारत। चीन जहाँ पे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वहीं पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी भी है चाइना। वहीं भारत जो है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने के साथ साथ दुनिया का 6वां बड़ा इकोनॉमिक अभी बन गया है जस्ट इसी साल। वो जो है वो अभी फ्रांस को पीछा छोड़ करके 6ठा बड़ा इकोनॉमिक बन गया है। वहीं पे हम दक्षिण अमेरिका की कॉन्टिनेंट से बात करें तो ब्राज़ील ये वहाँ का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील है यहाँ। और अफ्रीका की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ की सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, शायद कंट्री भी वहाँ का है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिकनेस को समेटे हुआ है। ज़रूरत है इसकी जो अभी सफलतापूर्वक जो बैठकें हो रही हैं और देश में जो एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है वो बना रहे, और कामना करते हैं इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों एग्जाम पॉइंट के नज़रिए से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग ज़रूर इसको कई बार पढ़िए, एक बार ही दो बार जो भी हो मेरा ये वीडियो लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद आप कोई भी मैगजीन लीजिए, दो बार तीन बार उसको बार बार रिवीजन कीजिए, कॉपी पर लिख के इसका नोट्स बनाइए और लगे रहिए जब तक आप सफल न हो जाए। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।